हेलो स्टूडेंट्स आई एम अगेन बैक विथ पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर इलेवन ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स आई होप यू वॉच इट स्टूडेंट्स टिल हीयर वी हैव कम्पलीटेड एवरी थिंग इन पार्ट वन विल स्टार्ट पार्ट टू विथ द मुरे डार्लिंग बेसिन बच्चा जो मुरे डार्लिंग बेसन है ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये ऑस्ट्रेलिया के सर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है ठीक है बात लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में है मुरे डालिंग बेसिन जो मुरे डालिंग बेसिन है बच्चा ये फोर्टीन परसेंट एरिया कवर करती है ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का जितना भी लैंड एरिया है उसका फोर्टीन परसेंट अकेले किसके पास है मुरे डालिंग बेसिन के पास है जो रीज़न है इस रीज़न को मुरे डार्लिंग बेसिन क्यों कहते हैं पता है क्योंकि इस रीज़न को ड्रेन करने वाली इस रीजन से बहने वाली दो मेजर रिवर हैं मुरे एंड डार्लिंग इसीलिए से क्या कहा गया मुरे डालिंग बेसिन ये जो रीज़न है मेनली किस किस स्टेट को कवर करता है तो ये करता है न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया एंड सम पार्ट ऑफ क्विंस एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया सॉरी सॉरी तो भाई आपको जो चीज़ें लर्न करनी है वो क्या पहली चीज की मुरे डालिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में है ये ऑस्ट्रेलिया के लैंड एरिया का फोर्टीन परसेंट कवर करता है इस पूरे एरिया में दो रिवर्स बहती हैं एक का नाम है मुरे दूसरे का नाम है डार्लिंग ठीक है बात और ये जो रीज़न है मुरे डारिंग रीजन ये किस किस स्टेट में आएगा तो न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया सम पार्ट्स ऑफ क्वींसलैंड एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया इतने पात में है क्या मुरे डालिंग बेसिन अच्छा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी फार्म्स हैं ना मतलब जो खेत हैं उनमें से फोर्टी परसेंट खेत अकेले कहाँ पर ही है मुरे डालिंग बेसिन में ही है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्यों क्योंकि अगर फोर्टी परसेंट लैंड मुरे डालिंग बेसिन में ही है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता होगा प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा तो मतलब यहाँ के लोग जो होंगे हैप्पी हैप्पी लाइफ जी रहे होंगे है ना तो ये रीजन जो है फ्लैट है लो लाइंग एरिया है जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फार्म्स का फोर्टी परसेंट फार्म एरिया अवेलेबल है यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होता है वीट बोले तो गेहूँ वूल बोले तो ऊन कॉटन मतलब कपास शिप मतलब भेड़ अच्छा शिप मतलब एज आ ईटेबल मतलब लोग खा भी सकते हैं ना वूल उसका प्रोड्यूस हो गया वो एक बात अलग हो गई पर यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है शिप का प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन फूल वीट राइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है हमारे मोरे डालिंग बेसिन में, फूड्स भी हैं वेजिटेबल्स भी हैं राइस भी है वीट भी है मतलब सब कुछ है यहाँ पर भी द रीज़न प्रोड्यूस ये जो रीज़न है ये ऑस्ट्रेलियन टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वन थर्ड प्रोड्यूस करता है तो अब कुछ चीज़ें आप याद रख लें इस मुरे डालिंग बेसिन के रिगार्ड्स में कि फोर्टी परसेंट ऑस्ट्रेलियन लैंड एरिया का अकेला किसके पास है मुरे डालिंग बेसिन के पास इसके पास ऑस्ट्रेलियन फार्म लैंड के फोर्टी परसेंट फार्म लैंड अवेलेबल है और वन थर्ड ऑस्ट्रेलिया जो प्रोड्यूस करता है उसका वन थर्ड ऑस्ट्रेलियन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका वन थर्ड अकेले मुरे डालिंग में ही होते हैं सपोज करो कि अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में नाइन्टी टन प्रोड्यूस होता होगा राइस टोटल की बात कर लें तो वन थर्ड यहीं मतलब अकेला थर्टी प्रोड्यूस करने वाला कौन ही है मुरे डालिंग बेसिन ये एग्जाम्पल था ना बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है वहाँ तो और बहुत सारी क्वान्टिटी में जो रिवर है इस रीज़न में वो लॉन्ग है स्लो फ्लोइंग है क्योंकि ये मियांडर करती हुई आई हैं अक्रॉस द वास प्लेन्स द रिवर्स इन दिस रीज़न आर लॉन्ग एंड स्लो फ्लोइंग एज द मियांडर अक्रॉस द वास प्लेन पूरे वास प्लेन पे ये मियांडर करती आई हैं इटलाती बलखाती आई हैं इसीलिए कैसी हैं ये स्लो हैं स्लो फ्लोइंग है जो मेजर रिवर हैं इस रीज़न की वो है डार्लिंग रिवर जिसकी लेंथ है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी टू जिसकी जिसकी लेंथ है फिर रिवर है जिसकी लेंथ है 1575। जो मुरे है है फिर जो की तो बेटा यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि तो आप क्या बोलेंगे मुरे इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स लेंथ Uh, तो बेटा ये जो बेसिन है बेसिन मतलब वो एरिया जो एक रिवर ड्रेन कर रही है ना यहाँ पर वाइड रेंज में हमें एस्ट्राइन फ्लड प्लेन्स मिलेंगे एस्ट्री क्या होता है बच्चा वो प्लेस जहाँ पर रिवर किस में मिल रही होती है सी में मिल रही होती है है ना तो यहाँ पर फ्लड प्लेन्स भी मिलेंगे वेटलैंड एनवामेंट्स भी मिलेगा है ना एग्रीकल्चर लैंड तो अवेलेबल है वेट लैंड एनवाइस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो एरिया जो दलदली हो रहा है जहाँ पर पानी कंटिन्यू है यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है टूरिज्म भी है और इंडस्ट्रीज भी हैं खेती किसानी तो बहुत अच्छे से हो रही है लोग पर्यटन के लिए मतलब टूरिज्म के लिए भी जाते हैं और इंडस्ट्रीज भी हैं अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न प्लेटिकॉर्ड जो वेस्टर्न प्लाटियो हैं उन्हें हम ऑस्ट्रेलियन चील्ड कहते हैं वेस्टर्न प्लाटियो का दूसरा नाम क्या है ऑस्ट्रेलियन चीट इट इज़ कम्पोज ऑफ ओल्ड रॉक्स इसमें ओल्ड रॉक्स हैं अर्थ की ओल्ड रॉक्स हमें मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन चील्ड में ये गोंडवाना एज से बिलोंग करती है जैसे हम बोलते हैं ना हमारे इंडिया का जो अरावली माउंटेन है वो गोंडवाना एज से बिलोंग करता है इन द सेम वे जो ऑस्ट्रेलियन चीट्स पे जो ओल्ड रॉक्स हैं ये भी गोंडवाना लैंड से बिलोंग करती हैं जियोलॉजिकली देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जियोलॉजिकली ये जो ऑस्ट्रेलियन शील्ड है ये उतनी ही पुरानी है जितना डेकिन पेनिनसुलर पुराना है इंडिया का इंडिया का जो डेकिन पेनिनसुलर प्लाट्यू है वो भी उतना ही पुराना है जितनी ऑस्ट्रेलियन शील्ड अगर हम एरिया की बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलियन शील्ड है ये टोटल टू पॉइंट सेवन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है अगर मैं इस ऑस्ट्रेलियन शील्ड की बात करूँ तो इसका टोटल एरिया है कि भाई कितने एरिया में ये फैली हुई है ऑस्ट्रेलिया में तो टू पॉइंट सेवन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हैं ये वेस्टर्न पार्ट का बहुत बड़ा पार्ट कवर करती हैं ठीक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट पार्ट है उसके बहुत बड़े पार्ट में फैली हुई हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया और नदन टेरिटरी तो देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट और नदन टेरिटरी इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा एरिया बनता है जिसका जो एरिया है कितना है टू पॉइंट सेवन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्लियर हुई बात तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि ऑस्ट्रेलियन शील्ड कहाँ कहाँ पर फैली हुई तो बताना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलियन नदर्न टेरेटरी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्लेटियो के वो ये कि जो एवरेज एलिवेशन है वो थ्री ज़ीरो फाइव टू फोर सिक्सटी मीटर्स मतलब हाइट की बात हम कर सकते हैं थ्री जीरो फ़ाइव टू फोर सिक्सटी ये और वॉलिक रॉक से बना हुआ जैसे हमारे इंडिया का ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये भी ओल्ड क्रिस्टल लाइन वॉल्निक रॉक से ही बना है इन द सेम वे ऑस्ट्रेलियन शीट भी बनी है कितना पुराना है थ्री पॉइंट एट टू थ्री पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स ओल्ड है कुछ प्लेसेस पे आपको यंगर सेलीमेंट्री रॉक लेयर भी मिलेंगी ठीक है बात ऐसा नहीं कि सब कुछ पुराना पुराना कुछ नया भी है इसका जो सरफेस है वो रग्ड है अब अगर बेटा हम सरफेस की बात करें तो सरफेस रगड है और अंडियुलेटिंग है रग्ड का मतलब क्या होता है ऊबड़ खाबड़ और अंडियुलेटिंग मतलब ऐसे लहरदार है ऊपर नीचे ऊपर नीचे है अपलैंस भी हैं लो लैंड भी हैं तो बेटा ये वाला लैंड क्या हो गई अपलैंड और ये वाली लैंड क्या हो गई लो लैंड हैं लो लैंड हैं जो लो लैंड है वो मेनली डेजर्ट्स हैं या सेमी डेजर्ट ट्री एरियाज हैं जैसे गिप्सन डेजर्ट ग्रेट सैंडी डेजर्ट विक्टोरियन डेजर्ट इसी का पार्ट है अब बेटा जो नुलाबोर प्लेन्स हैं नुलाबोर प्लेन्स का मतलब क्या है ट्री लेस प्लेन प्लेन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर ट्री है ही नहीं ये भी साउथ में अवेलेबल है इस प्लाटियो के साउथ में नुलाबार प्लेन्स है नुलाबार प्लेन्स का मतलब है ट्री लेस प्लेन्स बॉर्डरिंग द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और एक इससे बॉर्डर बनाते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से बॉर्डर बना रहे हैं ये जो प्लेन है ये रीजन है तभी यहाँ पर पेड़ लगाना आसान नहीं होता है है ना जो अपलैंड है उसमें मैकडोनल्ड्स रेंज आएगी मुजग्रेव रेंज आएगी डार्लिंग रेंज आएगी हेम्सले रेंज आएगी तो जो अपलैंड एरिया है वहां पर मैकडोनल्ड्स मुजग्रेव डार्लिंग रेंज है अब बेटा जरा ध्यान से सुनना जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर सीरीज ऑफ़ टॉर्स हैं टॉर्स क्या होते हैं बच्चा आइसोलेटेड आउट क्रॉप्स आउट आइसोलेटेड आउट क्रॉप्स में क्या बोलेंगे बच्चा ऐसे ज़मीन होगी और ज़मीन के ऊपर चट्टानों के टुकड़े होंगे ये क्या होते हैं आइसोलेटेड आउट क्रॉप ये वेदर रॉक्स हैं जिनके ऊपर बहुत वेदरिंग हो गई है जो पहले कहीं इस तरीके से हुआ करते थे अब ऐसे राउंड शेप में हो गए कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे जो मोस्ट स्पेक्टिकुलर फॉर्मेशन है वो है उलूरू और द आयर्स रॉक ये आप लोग जब इमेज में देखेंगे ना देखो खुशाद होगी तो दिखाते हैं ये है आयर्स रॉक ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है ये लार्जेस्ट मोनोलिथ है वर्ल्ड का मोनोलिथ का मतलब होता है पत्थर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना वो तो ये एक ही बहुत बड़ा पत्थर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथ सबसे बड़ा बड़ा पत्थर उलूरू है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट पेबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मान सकता है वॉट इज ग्रेट पेबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो क्या लिखोगे उलूडो और द आयर्स रॉक इज लार्जेस्ट मोनोलेट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट पेबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये ओवल शेप का है थ्री फोर्टी एट मीटर्स है एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड बोले तो बच्चा होता है हा इट एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट ओवल शेप का है और हाइट कितनी है इसकी ये फोर्टी एट मीटर्स ये जो रॉक है प्राइमरली आर्कोसिक सेंड स्टोन से बनी हुई है जिस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फेल्ट है फेल्ट एक टाइप है स्टोन का ही पत्थर का और बेटा ये जो रॉक है इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज होता है मॉर्निंग में कलर अलग होगा आफ्टरनून में अलग होगा इवनिंग में अलग होगा इट ग्लोइंग रेड एट डॉन सुबह सुबह बिल्कुल ग्लोइंग रेड दिखता है सनसेट में भी ग्लोइंग रेड दिखता है द आयर्स रोलूरू इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आयर्स रोलूरू एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है क्यों है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलेथ है, पत्थर है चलो 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 और बेटा आप कहे इसके बाद वाला चलो उलूरू से थर्टी टू किलोमीटर जब नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो आपको मिलेंगे ऑल ऑलगाज ये क्या है टॉर्स के ग्रुप हैं यहाँ पे बहुत सारे आइसोलेटेड वेदर ड्रॉक्स है वेदर ड्रॉक्स का मतलब ये होता है बच्चा ये रॉक होगी पर इस पर कंटिन्यू सन वाटर एयर ने काम किया होगा तो ये सिर्फ राउंडेड हो जाते हैं कहीं पर तो ऐसा होता है कि राउंडेड की यहाँ पर भी होल हो गया यहाँ पर भी बस कई बार ऐसी रॉक थी ये इतनी खत्म हो गई सिर्फ कितनी बची इतनी बची है आ, बेटा अगर हम उलूरू से थर्टी टू किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो हमें मिलेंगे ऑल गाज यहाँ पर बहुत सारे टॉर्स हैं बहुत सारे टॉर्स हैं आइसोलेटेड वेदर रॉक्स हैं मतलब रॉक्स तो हैं पर उनके ऊपर वेदरिंग हो गई वेदरिंग का मतलब क्या सन ने एयर ने वाटर ने सब ने अपना काम कर कर, कर के बेचारों को गोलू मोलू बना दिया है ठीक है ये जितने भी आपको टॉर्स मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे उलूरु कटा तजूटा में तजूटा में ठीक है कटा तजूटा एक नेशनल पार्क है जो माउंट ऑलगा है उसकी जो हाइट है वो है वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स मीटर और ये हाईएस्ट पॉइंट है कटा तजूटा का अब हम पढ़ेंगे बच्चा कोस्टल प्लेन्स को तो हम कोस्टल प्लेन्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और तीसरा बोर्ड प्लेन्स ठीक है ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये फ्लैट हैं और लो लाइंग एरियाज हैं ओशन के पास हैं ओशन के पास भी हैं फ्लैट भी हैं लो लाइंग है तो इससे फायदा ये होता है कि बेटा यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों ही की वराइटी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है ठीक है कहाँ पर कोस्टल प्लेन में एक सूटेबल क्लाइमेट मिल रहा है एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी ठीक है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तीन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और नुलाबोर प्लेन बेटा अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को तो ये रहे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सपोज करो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है तो ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ईस्ट में मिलेगा हमें पैसिफिक ओशन और वेस्ट में मिलेगा हमें ईस्टर्न हाईलैंड आई बात समझ में तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उनके ईस्ट में मिलेगा पैसिफिक ओशन और वेस्ट में मिलेगा ईस्टर्न हाईलैंड ठीक कोई बात ये नैरो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है मतलब सकड़ा मतलब सकरा है बहुत ज़्यादा चौड़ा ब्रॉड नहीं है लो लाइंग स्ट्रेच है <coughs> बिटवीन ईस्टर्न हाईलैंड टू द वेस्ट वेस्ट में क्या है ईस्टर्न हाईलैंड है और पैसिफिक कोस्ट है ईस्ट में ये टू हंड्रेड किलोमीटर्स वाइड है थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स लेंथ में है लेंथ थ्री हंड्रेड किलोमीटर वर्थ टू हंड्रेड किलोमीटर है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्टर्न स्लोप से बहती हुई आती हैं इस जगह में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है क्योंकि यहाँ पर देखो फार्मिंग भी हो सकती है टूरिज्म हो रहा है ओवरसीज नेविगेशन हो रहा है लोग रिवर के थ्रू यहाँ से वहाँ जा रहे हैं टूरिज्म बोले तो पर्यटन लोग घूमने जा रहे हैं फार्मिंग खेती किसानी यहाँ हो रही है आ, मतलब ये सब मेन ऑक्यूपेशन है क्या क्या वो सीजन है फार्मिंग टूरिज्म। ऑफ द शोर ऑफ़ द पोट चैम नैशनल पार्क नेशनल पार्क का जो पोर्ट है मतलब सॉरी ऑफ द शोर ऑफ़ पोर्ट चैमिल नेशनल पार्क जो शोर है पोट चैम्बल नेशनल पार्क का कहा विक्टोरिया में यहाँ पर हमें लाइमस्टोन स्टैक्स का कलेक्शन मिलता है ठीक है और बहुत पास पास मिलता है इन्हें ट्वेल्व अपोसल्स भी कहा जाता है तो भाई जो पोर्ट चैम्बल नेशनल पार्क है उसके शोर्स पर आपको क्या मिलेंगे लाइम के स्टैक्स मिलेंगे बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के पास हैं इन्हें ट्वेल्व अपोसल भी कहा जा सकता है आ, पर इनका कंस्टेंट इरोजन हुआ है बच्चा इरोजन तो होता ही रहेगा एक तो हम बात कर रहे हैं कि गोंडवाना से निकला हुआ एरिया है तो इतना टाइम हो गया है मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं तो इरोजन तो होगा ही इसके कंस्टेंट इरोशन के कारण ओनली एट ऑफ दीज आर नाउ लेफ्ट एट ही बचे हुए हैं ज्यादा नहीं है ये ट्वेल्व अपोसल हैं और इस ट्वेल्व अपोसल में देखो आपको एट ही देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्वेल्व अपोसल्स किसको कहते हैं तो ट्वेल्व अपोसल्स हम लाइम स्टोन स्टैक्स को कहते हैं जो कहाँ पर है चैम्बल नेशनल पार्क के शोर पर है ठीक है स्टेट कौन सा विक्टोरिया पर अब इसमें से कितने बचे सिर्फ आठ एट अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे ये लोकेटेड है बिटवीन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न प्लेट्यू इंडियन ओशन जैसे ये रहा ऑस्ट्रेलिया यहाँ है इंडियन ओशन और वेस्टर्न प्लेट्यू के बीच में मिलेगा हमें क्या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ, ये जो प्लेन है ये नैरो है नैरो मतलब सकड़े ही हैं डिसकंटिन्यूस है मतलब कहीं पहले प्लेन मिल जाएंगे फिर थोड़ी जगह में नहीं मिलेंगे फिर प्लेन मिल जाएंगे इस तरीके से डिसकन्टीन्यूस है बट एक्सट्रीमली ड्राई बहुत ज़्यादा सूखे हैं इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर करना तो पॉसिबल है ही नहीं को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ऑस्ट्रेलिया के वो पहला फीचर है कि वो डिसकंटिन्यूस है नैरो तो है ही यहाँ पर डिसकंटीन्यूस है फिर इतने ड्राई हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है अब हम नुलाबार प्लेन पढ़ेंगे तो जो वर्ड नूलाबार है ये लैटिन वर्ड नुल से डिराइव हुआ है नो का मतलब होता है नो नु, नुल का मतलब होता है नोरबार मतलब होता है ट्री तो लैटिन टर्म से बना है जिसमें नुल भी है और अबोर अब भी है तो जो नुल है उसका मतलब होता है नो अबोह का मतलब होता है ट्री तो जहां पर पेड़ नहीं है उसे क्या कहते हैं नूलाबोर ये फ्लैट है इट इज़ अ फ्लैट जेंटली एंडुलेटिंग मतलब एंडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़ uh, लहरदार कहीं ऊँचाई कहीं ऊंचाई कम है ऑलमोस्ट फ्लैट है पर पेड़ नहीं है ये सदन ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के साथ बॉर्डर करता है ये वाइडेस्ट अगर इसकी सबसे चौड़ाई की बात करें भाई कितना चौड़ा तो यह हो सकता है तो ये ग्यारह किलोमीटर ये लाइम रॉक से बना हुआ है ऐसे बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर मिथ्योर डिपॉजिट हैं मतलब एक्सटेंसिव डिपॉजिट और क्लाइमेट की वजह से ये प्रिजर्व होके वहां पर रह गए और जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन है वो कलगुर को कनेक्ट करती है पोर्ट अगस्ता से थ्रू दिस प्लेन्स ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन की अगर हम बात कर लें तो वो कलगुर कलगुरली से लेकर के पोर्ट अगस्ता तक जो रास्ता जाएगा वो इनसे होता ही जाएगा किससे किसको पढ़ रहे हैं अभी हम नुलाबार रीजन से नुलाबार प्लेन अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट बेरियर रीफ जो ग्रेट बेरियर रीफ है वो कोरलसी में लोकेटेड है लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड क्वींसलैंड के जो कोस्ट है कोस्ट क्या होता है बच्चा जैसे ये पूरा एरिया रहा ये समुद्र से टकराने वाला जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं कोस्ट तो क्वींसलैंड के जो कोस्ट है वहाँ पर लोकेटेड है कोरल सी में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम किसके पास है तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही है ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सी में अवेलेबल है कोरल सी कहाँ है कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के कोस्ट पर कोरल सी है जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल सिस्टम कोरल रीफ सिस्टम है इसमें लगभग टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड इंडिविजुअल रीफ्स हैं और नाइन हंड्रेड हैं Uh, जिनका टोटल एरिया है थ्री लाख फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर स्क्वायर जो ग्रेट बेरियर रीफ है ये लार्जेस्ट लिविंग थिंग है अर्थ के ऊपर पूछा जाए कि दुनिया में लार्जेस्ट लिविंग थिंग क्या है द ग्रेट बेरियर रीफ इज द लार्जेस्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ तो क्या बोलोगे ग्रेट बेरियर रीफ है क्या है लार्जेस्ट लिविंग थिंग है पूरे अर्थ के ऊपर इवन विजिबल फ्रॉम आउटर स्पेस और ये आउटर स्पेस से भी दिखती है बड़ी बात है चलो यहाँ पर भी सेम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ विजिबल है आउटर स्पेस से तो बोलना हाँ ये आउटर स्पेस से विजिबल है और ये वर्ल्ड बिगेस्ट स्ट्रक्चर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर विच इज अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटल एरिया थ्री फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड आउटर स्पेस से भी दिखती है दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म से बड़ी बनी हुई सबसे बड़ी बड़ा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कोरल पोलैप्स ठीक है इट इज़ बिल्ट बाय स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसे हम क्या कहते हैं कोरल पोलैप्स ये है एरियल व्यू ऑफ ग्रेट बेरियर रीफ ऊपर से देखो ना तो इस तरीके से दिखती है ग्रेट बैरियर बेटा ये रीफ भी रिकोगनाइज़ की गई है एज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्योंकि ये वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फोना को सपोर्ट करती हैं ये होम है लार्जेस्ट कलेक्शन है यहाँ पर कोरल रीफ का इट इज़ अ होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ या फोर हंड्रेड टाइप के कोरल हैं फिफ्टीन हंड्रेड टाइप की यहाँ पर, 4, यहां पर 4, 1, फिश अवेलेबल हैं फ़ोर थाउजेंड टाइप के यहाँ पर मल्यूज़ हैं फ़ोर थाउजेंड टाइप के मल्यूज़ हैं फिफ्टीन हंड्रेड फिश हैं फोर हंड्रेड टाइप के अलग अलग कोरल हैं इसे हैबिटेट कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल जैसे कि वो एनिमल जो बिल्कुल कगार पे हैं कि आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे वो यहाँ पर रहते हैं जैसे इनमें फर्स्ट है डुगोंग जिसे हम सीकाओ भी कहते हैं एंड लार्ज ग्रीन टोटल लार्ज ग्रीन टोटल भी यहाँ मिलेगा सीकाओ डुगोंग भी यहाँ पर मिलेंगे अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे शिप रेयरिंग की ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल का ऊन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस होता है लगभग दुनिया में प्रोड्यूस होने वाला जो वूल है उसका थर्टी टू परसेंट अकेले ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस होता है शिप रेयरिंग एनिमल रेयरिंग का ही पार्ट है लार्जेस्ट स्टॉक रेयरिंग का पार्ट है ठीक है शिप रखोगे जो कि एनिमल है तो वूल मिलेगा ही मिलेगा ये प्रैक्टिस जो है जिसमें हम शिप को रखते हैं फिर टाइमली उसकी हेयर्स को कट करते हैं और उससे क्या बनाते हैं फिर वूल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है हम रेस करते हैं ब्रीड कराते हैं डोमेस्टिक शिप को जिससे फिर हमें बाद में मीट भी मिलेगा मिल्क भी मिलेगा वूल भी मिलेगा ठीक है और शिप स्किन एक देखो यहाँ से अगर आप शिप को रख रहे हैं तो आपको मीट मिलेगा मिल्क मिलेगा वूल तो मिलेगा ही मिलेगा शिप की स्किन भी मिलेगी और पार्शमेंट भी मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा जाना जाता है बच्चा उसके हाई क्वालिटी वूल के लिए जो मिलता है मेरीनो शिप से ठीक है बात जो मेरीनो शिप है वो मेजॉरिटी में नेशनल से पॉपुलेशन है बेटा अगर हम शिप्स की बात करें कि भाई कौन सी शिप सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में तो वो कौन सी शिप है शिप ही है ये जो ब्रीड है ये अपनी ऊन के लिए जानी जाती है एक तो फाइबर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और दूसरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वूल मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया अपने हाई क्वालिटी वूल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये हाई क्वालिटी वूल उसको कौन देती है शिप जो शिप है अगर हम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा से ज़्यादा पूछें कि सबसे ज़्यादा शिप कौन सी है तो शिप ही है द मेरिनो शिप कम्प्राइजेज द मेजोरिटी ऑफ नेशनल पॉपुलेशन ठीक है और ये जो ब्रीड है ये अपने हाई वॉल्यूम हील्ड मतलब एक शिप से बहुत सारा ऊन आप निकाल सकते हो अगर हम दूसरी शिप से कंपेयर करें तो ज़्यादा ऊन देने वाली है और फाइबर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है शिप रेयरिंग इंडस्ट्री जो है वो मेजर रेवेन्यू जनरेटर है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो तो वैल्यू है शिप इंडस्ट्री की ऑस्ट्रेलियन इकोनमी में वो है डॉलर फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन ये वाइडली प्रैक्टिस है पूरे कॉन्टिनेंट में जो मेजर शिप रेयरिंग स्टेट्स हैं कि भाई कहाँ कहाँ शिप्स को ज़्यादा रेयर किया जाता है तो वो है न्यू साउथ वेल्स साउथ ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर शिप रेयरिंग बहुत अच्छे से होती है बेटा कहाँ कहाँ पर शिप रेयरिंग ज़्यादा अच्छे से होती है न्यू साउथ वेल्स साउथ ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शिप रेयरिंग इज़ बेस्ट प्रैक्टिस इन कूल टेम्परेट क्लाइमेट अगर आप कूल टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं तो शिप रेयरिंग एक अच्छी एक्टिविटी है पर आपको हाई रेनफॉल भी चाहिए पेस्ट्रल वेजिटेशन भी चाहिए शॉर्ट ग्रासेस भी चाहिए क्योंकि शिप खाएगी क्या तो शिप को खाने के लिए चाहिए हरी हरी घास तो हरी हरी घास कहाँ होगी जहाँ रेनफॉल अच्छी होगी क्लाइमेट सुटेबल होगा है ना तो टेम्परेट क्लाइमेट हो रेनफॉल अच्छी हो तो शिप आप इजीली रख सकते हैं जो मेन प्रोडक्ट होते हैं शिप ट्रेनिंग के पहला है वूल और दूसरा है मीट शिप को काट के खा जाओ तो मीट और वूल तो जो ऊन दे ही रही है ठीक है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ वुल टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली शिप है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है और वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है आ, बेटा देखो ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी में वूल इंडस्ट्री वुलन इंडस्ट्री बहुत बढ़िया से काम कर रही है जो वूल इंडस्ट्री है फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करी जैसे लैंड डिग्रेडेशन का ज़मीनों की क्वालिटी ख़राब होती जा रही प्रॉपर ग्रास नहीं मिल रही है हमारे शिप्स के लिए वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है ठीक है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और सॉइल इरोजन ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो वुलन इंडस्ट्री के लिए वूल इंडस्ट्री के लिए चैलेंज की तरह हैं ऑस्ट्रेलियन शिप फार्म्स की बात करें तो जो शिप फार्म्स है ऑस्ट्रेलिया में उन्हें शिप स्टेशन कहते हैं हर शिप स्टेशन न्यूमरस लार्ज सेक्शन में डिवाइडेड है जिसे हम पेडॉक्स कहते हैं ठीक है प्रोसेसिंग के पर्पस से हमने लार्ज सेक्शन कर दिए हैं उस पूरे के पूरे फार्म के अ शिप फार्म इज़ यूजुअली स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एक बहुत बड़े एरिया में शिप फार्म बनता है तो देखो शिप फार्म जो है ऑस्ट्रेलिया में उन्हें शिप स्टेशन कहते हैं ये जो शिप स्टेशन होता है बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है जैसे पेडॉक्स कहते हैं शिप फार्म फार्मी एक बहुत बड़े एरिया में होता है कवरिंग मोर देन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही एक्टर सोच रहे हो कितने बड़ा एरिया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही एरिया में फार्म्स बनते हैं हर शिप स्टेशन में बहुत बड़ा पास्चर लैंड होता है जिसमें अल्फाल्फा ग्रास होती है जिसे शिप को खिलाया जाता है अल्फाल्फा एक बहुत अच्छी ग्रास की वराइटी है ये जो शिप होती हैं आर हॉडेड टू द पार्शर इन्हें घास खिलाने ले जाया जाता है और किसकी हेल्प से एक स्पेशल डॉग है जिसका नाम है बॉर्डर कोली डॉग्स उनकी हेल्प से हम इन्हें ले जाते हैं लेके आते हैं शिप इस्टेस मेनटेन करते हैं फार्म ऑनर्स और उनकी फैमिली बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो काम करते रहते हैं ट्रेनीज होते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आते हैं इन्हें जैक्रूस कहा जाता है मेल्स को जलरूस कहा जाता है फ़ीमेल को तो बेटा एक ओनर है फार्म ओनर है उसकी फैमिली वो तो काम कर रही है पर बहुत सारे स्किल वर्कर्स भी उन्हें हेल्प कर रहे हैं जिन्हें हम जैक्रूस कहते हैं अगर वो मेल है जलरूस कहते हैं अगर वो फीमेल है शिप शेयरिंग देखो जो शिप है उसे समर्स में शेयर किया जाता है जब जो फ्लीस होता है वो बहुत थिक ग्रो हो चुका होता है इन्हें इस इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग मशीन से शेयर किया जाता है जो फॉर्म वर्कर्स होते हैं वो क्लीन करते हैं शॉर्ट करते हैं और फिर बंडल बनाते हैं फ्लीश के जो ऊन जो धागा मिला उसके बंडल्स बनाते हैं पहले धोएंगे फिर उसको मतलब धोना नहीं है मतलब क्लीन करना है फिर शॉट करना है फिर उसके बंडल बना देना है ये जो फ्लिच होगा उसे मार्केट में भेज दिया जाएगा मेनली पर सिडनी और मेलबर्न में जहाँ पर बल्क में परचेज कर लिया जाता है सो स्टूडेंट आई एम यूड दिस वीडियो दिसर ओनली इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन